कंगना रनौत पर मैंने आज गया सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है, क्योंकि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनावी फ़ोटो जो है, चुनावी फ़ोटो के सामने उन्होंने भद्दा भद्दा कमेंट किया है। उनको आज़ाद कश्मीर और अन्य नेताओं को जिहादी, लुटियंस एवं तरह तरह का आपत्तिजनक कमेंट किया है, जो किसी भी तरह से भारतीय राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े नेता पर इस तरह का कमेंट अशोभनीय है। और कंगना रनौत पर आज मैंने सिविल कोर्ट में गया में मुकदमा किया है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन किया हूं कि कंगना रनौत पर जो मुकदमा मैंने दर्ज किया है उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का भद्दा भद्दा कमेंट करने का कोई कितनों बड़ा हस्ती हो किसी पर आगे जो है हिम्मत नहीं कर सके। अपना परिचय बताओ। विनय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार। वकील साहब भाई सर, आज हमारे क्लाइंट जो हैं विनय कुशवाहा जी, मुझसे अप्रोच किया कि हमारे माननीय मुख्य भूतपूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पोस्ट पर मशहूर एक्ट्रेस रंगना कनावत के द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गई है, और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इस संबंध में एक कंप्लेंट पिटीशन परिवाद पत्र दाखिल किया जाए। मैंने इनकी बातों को मानते हुए एक एडवोकेट के रूप में मैं इनका परिवाद पत्र धारा 501 ए, 502 ए और 505 IPC और 66 ए IT एक्ट के तहत मुकदमा मैंने आज फाइल किया है माननीय न्यायालय में। सजा हो सकता है? सजा नहीं, सजा बहुत कम है, 2-3 महीना का ये है। और ये एक्चुअली ये है कि यहाँ पे हमारे संविधान के या कानून में किसी भी व्यक्ति को बराबर अधिकार दिया गया है, सब समान है, या कितनी बड़ी हस्ती हो किसी भी आदमी के द्वारा, किसी भी पब्लिक के द्वारा, किसी भी बड़े आदमी या नेता के द्वारा पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना अपराध आता है, संज्ञेय अपराध में आता है। और हमने कोर्ट को में प्रेयर मैंने किया है कि इन धाराओं में इन पर संज्ञान लिया जाए।